Assalamu alaikum. Hope you all are fine. I am teach in University of Education. My subject is Art and Craft, Semester 6, Beard Owners, Course Fine 3129. Today lecture is 11, titled Greek Civilization. Teacher name is Shumaila Khan. आज हम इसके अंदर ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका डेली लाइफ, उसका कल्चर, ट्रेडिशन एंड ऑल दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. जियोग्राफी. लोकेटेड इन साउथर्न यूरोप, ग्रीस इज डिफाइंड बाय अ सीरीज ऑफ माउंटेन एंड सराउंडिंग ऑन ऑल साइड्स एक्सेप्ट द नॉर्थ बाय वाटर. ठीक है, ये इसकी जियोग्राफी है. क्लाइमेट इसका क्या था? द मेडनीन सी मॉडरेट्स ग्रीस क्लाइमेट, कूलिंग द एयर इन समर एंड प्रोवाइडिंग वार्मथ इन द विंटर. स्मूथ समर्स आर जनरली हॉट एंड ड्राई, विंटर आर मॉडरेट एंड रेनी इन कोस्टल रीजन्स एंड क्लाउड एंड स्नो इन माउंटेन एरिया. ये इसका क्लाइमेट था. ठीक है, हिस्ट्री. ग्रीक सिविलाइजेशन, अब इसकी हिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक. द ग्रीक सिविलाइजेशन स्टार्ट इन द बाल्कन पेनिनसुला, बट सम ग्रीक लिव्ड इन आइसलैंड एंड इन एशिया माइनर तुर्की. ओके, एशिया माइनर जो तुर्की का पार्ट था उसके अंदर, दे स्टार्ट टू लिव टुगेदर इन सिटी स्टेट और पॉलिस विच हैड इट्स ऑन गवर्नमेंट laws and army. Athens and spread were important city state. Introduction. अब हम जो इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो इसके ओलंपिक्स हैं, डेली लाइफ है, असम्बली है, पॉलिटिक्स है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड ईच एंड एवरी थिंग वी विल डिस्कस. इंट्रोडक्शन. ग्रीक सिविलाइजेशन स्टार्ट अराउंड 2000 BC बाई 1600 BC. The Greek people had built 45 cities in the major valley and many people were educated. Greece then had several wars including the Trojan War around 1200 BC, which threw them into what is known as the Dark Ages. जब उनको 1200 BC के अंदर अटैक किया गया था तो उसको जो थ्रो कर दिया गया था डार्क एजेस के अंदर. अब डार्क एजेस क्या है? ड्यूरिंग द डार्क एजेस नॉलेज ऑफ राइटिंग हैज़ लॉस्ट ऑफ मोस्ट पीपल लिव्ड इन आइसोलेट विलेज. द डार्क एजेस एंडेड इन अबाउट 800 BC व्हेन द ग्रीक्स स्टार्ट टू राइट अगेन विद एन अल्फाबेट बेस्ड ऑन दैट ऑफ फोनिशियंस. Around 477 BC, two city-states, Athens and Sparta, become the dominant power in that region and constantly forge each other for power. Greece had its golden age in Athens around 477-431 BC. Greece became a part of the Eastern or Byzantine Empire and Greek literature become the basis of learning in Byzantine institutions, especially in Constantinople, its capital. When Constantinople was destroyed by the Turks in 1453 AD, the Greek literature stored the separate to the rest of Europe and helped start the Renaissance. अब हम बात करेंगे, वो तो उसका इंट्रोडक्शन हो गया, किस किस एयर में क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ बीसीस में क्या हुआ और किस तरह से डार्क एजेस के बारे में हमने सारा डिस्कस किया. अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं इसका एग्रीकल्चर क्या था, इसकी इकोनॉमी क्या थी, इसकी कंडीशन क्या थी, फूड क्या था, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे. Only 20-30% of ancient Greece land was arable. The most important crops were olives, grapes and barley. Economic condition iski kya thi ki were those of a simple self-sufficient agriculture system tha. Crops iski jo thi, Greek used olive for eating and make olive oil used for cooking
एंड एज अ लुब्रिकेंट. ग्रेप्स दे मेड वाइन फ्रॉम ग्रेप्स. द कॉमन ड्रिंक ऑफ एवरी वन वॉज अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर. इवन चिल्ड्रन ड्रिंक इट. Dionysus the mythology, god of the wine, avarsa and blessed everything having to do with growing crops in making wine. मतलब ऑलिव्स इनका बेसिक जो था वो क्रॉप्स थी और उसके बाद वो ग्रेप से वाइन और बनाते थे मिक्स करके. ठीक है. बार्ले was used to make bread and was a step part of Greek diet. Demeter was the mythological goddess of grain. ठीक है. इनका जो बार्ले था ये एक जो और गंदुम इनके स्पेशल जो था ना फूड था मिथोलॉजी के अंदर गॉडिस के लिए कि ये गॉडिस ने जो है ना इसको प्रोड्यूस किया है. मतलब उनका ये कहना था कि उनके देवताओं की फेवरेट है तो इसलिए वो इसको ब्रेड वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते थे. लाइफ स्टॉक द एशियन ग्रीक कैप चिकन्स pigs, sheep and goats for milk and meat. They would only eat the meat of animal who had been sacrificed in the name of a god. वो सिर्फ उन जानवरों का गोश्त खाते थे जो कि सैक्रीफाइड कर दिया जाता था अल्लाह के नाम पे. यानी कि जो देवी देवताओं के चढ़ावे जो जिस टाइप के होते हैं ना आपने शायद अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि वो जो एनिमल्स को अपने देवी देवताओं पे के लिए सेक्रीफाइस करते थे और ये सोचते थे कि इस तरह करने से जो हमारे गॉड्स हैं वो हमसे हैप्पी हो जाएंगे और हमारे जो हमारे लिए सब कुछ बड़ा इजी और कंफर्टेबल हो जाएगा. इस उनको खुश करने के लिए वो ये अपने एनिमल्स की जो है ना कुर्बानी देते थे और सिर्फ उन्हीं जानवरों का गोश्त खाते थे. अदरवाइज़ वो किसी और जानवर का गोश्त नहीं खाते थे. जनरली दे डिड नॉट ईट अ लॉट ऑफ मीट बट इंस्टेड डिपेंड अपॉन फिश and legumes, beans, chickpeas for protein. ठीक है. प्रोटीन के लिए वो ज़्यादातर फिश वगैरह यूज़ करते थे. गवर्नमेंट में इनकी द पॉलिस, पॉलिस एक सिटी है उसका नाम है. कंसिस्टेड ऑफ अ सिटी एंड इट्स सराउंडिंग प्लेन्स एंड वैलीज. द न्यूक्लियस ऑफ द पॉलिस वाज द हाई 45 साइट्स कॉल्ड द Acropolis, where people could take refuge from attack with the revival of commerce. A trading center developed below the Acropolis. अच्छा, दो तो हो गई थी इनकी गवर्नमेंट. अब इनका रिलीजन, अब रिलीजन क्या था ग्रीक सिविलाइजेशन का. द ग्रीक वर पॉलिथिस्टिक एंड डिड नॉट ऑल वर्शिप द सेम गॉड्स. ठीक है. पॉलिथिस्टिक थे. पॉलिस्टिक थिंग ये था कि बहुत सारे देवताओं को मानने वाले. ठीक है. और इनका कोई एक गॉड नहीं था जिसकी वो पूजा करते थे. मतलब हर एक का अपना अपना गॉड था. सम स्मॉल विलेज वर्शिप द मेन गॉड एंड देयर ओन विलेज गॉड. ठीक. देयर वर हंड्रेड ऑफ ग्रेट गॉड्स परहैप्स अराउंड थाउजेंड. सम ऑफ द मोस्ट फेमस गॉड्स वर सूजूस, हेरा, अपोलो, आर्टेमिस, पोसिडन एंड हैडिस. ज्यूस सरप्रेस्ड ऑल अदर गॉड्स इन स्पिरिट, विजडम एंड जस्टिस एंड हिज वाइफ हेरा वाज द क्वीन ऑफ द गॉड. डीपली रिलीजियस थे. वार्म दे बिलीव अपीयर इन ह्यूमन फॉर्म. और उनको ये लगता था कि ये इंसानी रूप में ज़मीन पर रहते हैं. ठीक है. सेक्रीफाइस टू प्लेस द गॉड were a major part of every Greek religious. Most god preferred an animal sacrifice, generally a domesticated animal. इनके जो थे वो like a chicken, goat or cow. When an animal was sacrificed, it was burned on top of an altar. After it was fully cooked, it had to be done. It had to be eaten on the spot. Usually before night fall, the sacrifice were the property of the god and had to be eaten in his presence. कि वो जब वो उसको सेक्रीफाइस करते थे अपने गॉड के पास तो उसी के उसी टाइम ऑन द स्पॉट फिर वो उसी का मीट खा लिया करते थे जिस भी एनिमल की वो उस टाइम कुर्बानी करते थे. ठीक है. दिस वॉज स्पेशली इम्पोर्टेंट बिकॉज द एंशियंट ग्रीक बिलीव
दैट द गॉड स्प्रिट वॉज विद इन द एनिमल सेक्रीफाइस एंड बाय ईटिंग द एनिमल हु वर्शिप कंज्यूम हिज पावर इन दिस वे दे स्ट्रेंथ द कनेक्शन बिटवीन मैन एंड गॉड। मतलब उन्हें लगता था कि इन सब करने से इंसान और गॉड, मतलब जो उनके देवी देवता होते थे, उनका कनेक्शन जो है आपस में वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए वो ये सब कुछ करते थे। अब हम बात करेंगे इनकी डेली लाइफ की। इनकी डेली लाइफ क्या है? द डेली डाइट इंक्लूड कैरलेस लाइक वीट और बार्ले, ग्रैप्स एंड ऑलिव्स, कॉमनली कॉल्ड द मेडिटेरियन ट्रीट। द ग्रीक टिपिकल मेड ग्रेप्स इंटू वाइन एंड ऑलिव्स इंटू ऑलिव्स ऑयल सो दे वुड कीप विदाउट रेफ्रिजरेशन। ग्रेन्स एंड कैरलेस वर कॉमनली यूज फॉर ब्रेड एंड पॉरेज। डाइट्स वर सप्लीमेंटेड विद द वेजिटेबल एंड हर्ब्स फ्रॉम किचन गार्डन एज वेल एज बेरीज एंड मशरूम्स। द पुअर यूजली ईट फिश वाइल ऑस्टर सी शन ऑक्टोपस वर कंसिडर्ड डिलीशियस एंड ओनली ईटन बाय द वेल्थी। लाइफ सोसाइटी एंड कल्चर इन एंशियंट ग्रीक। अभी देख सकते हैं इनका सोशल पैरामिड क्या था। सबसे पहले गवर्नमेंट मेल सिटीजन डेमोक्रेसी है, मेल सिटीजन है, मेल चिल्ड्रन है, वुमेन चिल्ड्रन बाद में आते हैं, फिर नेटिव फ्री मैन वेयर द ओनली सिटीजन, फिर सबसे लास्ट में जो है वुमेन और फॉरिजन फीमेल चिल्ड्रन आते हैं, और फिर सबसे बाद में स्लेव्स आ जाते हैं। ब्रेड इन द एंशियंट ग्रीस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेली डाइट। एट फर्स्ट ऑल ब्रेड वर प्रिपेयर्ड इन द एम्बर्स ऑफ a fire. Eventually the Greek developed a bread oven that is similar in the function to the oven we use today. Because they required less wood or charcoal, which was expensive, these ovens made bread available to almost everyone. The most common type of bread in Greece was called maza, which was a flat bread made from barley flour. The most meal consists of maza and some sort of accompaniment to bread called opsan. This might be vegetable, fish, olives, onion, garlic, fruit, and on a rare occasion meat. Greek women. Greek women had very literary freedom outside the home. They could attend wedding, funerals, some religious festival, and call visit, and could not visit female neighbors for brief periods of time. In their home, Greek women were in charge. Their job was to rule the house and the bear children. Most Greek women themselves are most household and slaves did not do housework. Female slaves cook, clean, and work in the field. Male slave watch the door to make sure no one come in when the man of the house was away. Expect from female neighbors and acted as tutor to the young male children. Wives and daughters were not allowed to watch the Olympic game as the participation and the participate in the games did not wear cloth. Men did not most of the hard muscular power jobs such as plowing and reaping. The women sowed seeds, wetted the field, and tended the household and children. Women might also grow small garden around the house of the vegetable and beans. Women might also bring in extra income for the farm with a craft trade such as weaving that they might sell at the market. अब हमने पढ़ा कि उनके वुमेंस का क्या था कि उन्हें किसी भी किस्म का अलाव नहीं था, उन्हें घर में ही रहना होता था, घर में घर के काम करने होते थे, घर के पास आप जो छोटा सा जो है होम गार्डन डेवलप कर सकती थी, उधर से वो वेजिटेबल प्रोड्यूस करके उसे मार्केट में सेल कर सकती थी, बच्चों का ख्याल रखना होता था, उनको पढ़ने की या कोई गेम खेलने की परमिशन नहीं थी, जो कुछ भी था वो सिर्फ मैन के लिए था और मैन चिल्ड्रन के लिए था। ठीक है,
टैक्सेस आ जाते हैं। टैक्सेस में क्या है कि फार्मर हैड टू गिव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दियर क्रॉप्स फॉर द गॉड एज अ सेक्रीफाइस एंड टू द सिटी स्टेट ऑफ फॉर टैक्सेस। दिस लेफ्ट द फार्मर विद जस्ट इनफ टू फीड देयर फैमिलीज। द लैंड वॉज डिवाइडेड वेरी स्पेशली, ईच हाउस होल्ड इन अ पॉलिस वॉज गिवन अ प्लॉट ऑफ लैंड। दिस प्लॉट वुड बी हैंडेड डाउन टू द चिल्ड्रन इन द इफ द फार्मर कुड नॉट पे हिज लैंड टैक्स। अ वेल्थर लैंड ऑनर कुड टेक इट एंड पे द डेब्ट फॉर द फार्मर। मैनी अरिस्टोक्रेट बिल्ट देयर वेल्थ दिस वे। ठीक है, अब क्लॉथिंग आ जाती है। क्लॉथिंग में ग्रीक क्लॉथिंग क्या थी? ग्रीक क्लॉथिंग वॉज वेरी सिंपल। मैन एंड वुमन वर लिनन इन द समर एंड वूल इन द विंटर। वुमन वर एक्सपेक्ट टू बी डिसेंटली कवर्ड। द एशियंट ग्रीक वुड बाय क्लॉथ एंड क्लॉथ इन द अगोरा द मार्केट प्लेस, बट डैट वॉज एक्सपेंसिव। मोस्ट फीमेल्स मेड देयर ओन क्लॉथ विच वॉज सिंपल ट्यूनिक्स एंड वार्म क्लॉथ डाइड अ ब्राइट कलर और ब्लीच ब्राइट। क्लॉथ वर मेड बाय द मदर हर डॉटर एंड फीमेल स्लेव्स। सी द एग्जाम्पल ऑफ देयर क्लॉथ। ओलंपिक्स। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द फर्स्ट ओलंपिक टुक प्लेस इन 776 BC। दे बिकम अ सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ ग्रीक कल्चर एंड इन मैनी रेस वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर uniting the great aspect their language and mythology। मतलब जो ओलंपिक्स की जो बेसिक जो थी ना वो ग्रीक से स्टार्ट हुआ था। ओलंपिक फर्स्ट टाइम जो था ना वो ग्रीक सिविलाइजेशन में जो था ना इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले ओलंपिक्स नहीं होती थी जो कि आजकल हमारे यहाँ भी होती हैं। ठीक है, ये वहीं से डेवलप होके आई थी। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लर्न मोर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।